तो आप सबके मन में एक विचार हमेशा चलता होगा कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। तो शिवलिंग का अर्थ है शिव चिन्ह, अर्थात शिव भगवान शिव का नाम, और लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रतीक, निशान या चिन्ह। इसे लिंगा भी कहा जाता है, पार्थिंग लिंगा भी कहा जाता है, लिंगम या शिवालिंगम भी कहा जाता है। यह हिंदू भगवान शिव का प्रतिमाव विहीन चिन्ह है, यानी कि जिसके अंदर कोई चित्र ना हो, कोई मूर्ति ना हो, कोई प्रतिमा ना हो, वह चिन्ह है। यह प्राकृतिक रूप से स्वयंभू, यानी कि जैसे केदारनाथ हुआ या हमारे कोई ज्योतिर्लिंग हुए जो स्वयं भूमि से उत्पन्न हुए हैं, या फिर अधिकतर मंदिरों में मानव द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किए जाते हैं। शिवलिंग को सामान्यतः गोलाकार मूर्ति तल पर खड़ा दिखाया जाता है, जिसे पीठम या पीठ कहते हैं। क्या शिवलिंग को घर में रख सकते हैं? जी हाँ, यदि आपके लिए सुबह और शाम दोनों समय शिवलिंग की पूजा संभव है तो आप घर में रख सकते हैं, पर साथ ही ध्यान रहे कि घर में स्थापित किए गए शिवलिंग का आकार छोटा होना चाहिए और उसका आकार अंगूठे के आकार से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। रोज सुबह नहाने के बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप से तिलक करना चाहिए। तिलक के रूप में कभी भी हल्दी या सिंदूर ना लगाएं। भगवान शिव को क्या प्रिय है? भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, चंदन का स्नान अति प्रिय है। इनकी पूजा पंचामृत, यानी कि पांच, जिन्हें पांच अमृत कहा जाता है, दूध, दही, घी, गंगाजल, शहद से की जाती है। भगवान शिव का त्रिशूल और डमरू की ध्वनि मंगल और गुरु से संबंधित है, अतः भगवान शिव को यह अति प्रिय है। भगवान शंकर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। एक बार हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री महादेव, हर हर महादेव।